हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो जिनका वीज़ा आ गया, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। पैकिंग शैकिंग चल रही है, मतलब पैकिंग कर रहे होंगे आप लोग, तो मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ कि पैकिंग में, लाइक मैं आपके पास आके हेल्प तो नहीं करने वाला, बट मैं आपको चीज़ें बताऊँगा जो आपको लानी यहाँ पे नेसेसरी है, कौन सी चीज़ें फालतू हो जाएंगी, ठीक है? तो चलो, ये वीडियो को थोड़ी लंबी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कि ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा और आपको क्या हेल्प चाहिए, किस बारे में जानना है। हालांकि मुझे 4-5 दिन ही हुए, मैं 7 को लैंड हुआ था, आज 11 अप्रैल है, ठीक है? सो गाइस, पैकिंग के लिए सबसे पहले लिस्ट ऑफ पैकिंग, आपको एक वेबसाइट है लाइक CIC, उसमें आ जाता है, उसमें पैकिंग बैग पैकिंग का बता देते हैं लिस्ट, चेक लिस्ट आप मतलब वहाँ से प्रिंट कर लो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करेंगे आपको चेक लिस्ट आ जाएगी, वो प्रिंट कर लेना। वो आपके सिर्फ फ़ायदे के लिए है। ये फ़ायदेमंद इसलिए होगी, आप एट ए टाइम आप रिमेंबर कर लोगे, जब आप निकलोगे घर के बाहर आप सारी वो चीज़ें चेक लिस्ट कर लोगे कि वो चीज़ें हाँ हमारे पास कि नहीं है, ठीक है? सबसे पहले आती है क्लोथिंग, ठीक है? क्लोथिंग में होता क्या है, आपको गर्म, अगर आप डिपेंड करता है, वेदर टू वेदर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मई टेक में हूँ, यहाँ पे समर्स चल रहे हैं, डिग्री जो होता है 11-12 डिग्री होता है, तो फिर मैं जो सर्दियों के कपड़े बहुत कम लाया हूँ, और आप देख सकते हो मैंने ये अकेली ये फुल टी शर्ट पहनी है और ये लोअर पहनी है, क्योंकि हर घर के अंदर हीटर लगा होता है, हर मॉल जगह वहाँ हीटर लगा होगा, हर कॉलेज जाओगे वहाँ हीटर लगा होगा, तो एवरीवेयर इज हीटर। बस रास्ते में नहीं लगा, रास्ते में प्रॉब्लम आती है, यहाँ की जो विंड है वो ज़्यादा मतलब तेज़ होती है और मतलब बहुत ठंडी होती है। जितना वेदर नहीं परेशान करता, उतनी यहाँ की विंड परेशान करती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप जैकेट्स 2 ले आना, ठीक है? अगर आप दिसंबर इनटेक जनवरी इनटेक में आ रहे हो तो फिर आप जैकेट ज़रूर लाना, क्योंकि वहाँ पे ठंड, यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, -30 -40 डिग्री होती है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर -30 -40 डिग्री में सर्वाइव करना है, आप यहाँ डिकैथलॉन से जैकेट ले सकते हो। डिकैथलॉन की जैकेट बहुत अच्छी है, क्योंकि डिकैथलॉन का स्टोर यहाँ मॉन्ट्रियल में भी है, और वो जैकेट अप्रॉक्सीमेटली 6,000 रुपीज़ की आती है, बहुत ही अच्छी है, केशवा की है, तो मैं वही सजेस्ट करूँगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जो जो चीज़ें चाहिए, ठीक है? फर्स्ट क्लोथिंग में आ गए आपके जैकेट्स, फिर आ जाती हैं आपकी टी शर्ट्स आप ले सकते हैं, फुल टी शर्ट जैसे मैंने ये पहनी है, 4 से 5 ये टी शर्ट ले आइएगा, ठीक है? ताकि आप अंदर आराम से रह सको, 4-5 लोअर ले आइएगा, कहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक डाल दूंगा और वहाँ से आपको पता लग जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में अगर आपको वीडियो स्किप करनी है आप वीडियो स्किप कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैं टाइप करके आपको एक वर्ड की फाइल अटैच कर दूंगा, आपको पता लग जाएगा उसमें, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोथिंग में जो आती हैं शर्ट पैंट, ठीक है? सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटरव्यू के लिए, जो आप कोट पैंट लेते हो, कोट पैंट ज़रूर लाना अपना, क्योंकि यहाँ पे कोट पैंट महंगा है, ठीक है? कॉटन की चीज़ें महंगी हैं, जीन्स यहाँ पे महंगी नहीं है, ठीक है? शर्ट भी महंगी नहीं है, कॉटन की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे महंगी हैं, ठीक है? सो ट्राई करना कि घर से कॉटन वाली टी शर्ट्स या ले आना, ठीक है? जो आप पहनते हो, क्वांटिटी रखना 4-5, ठीक है? क्या नहीं लाना, वो जो लाना है आप वो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगा। सबसे ये हो गया क्लोथिंग का, क्लोथिंग में लोअर्स आ जाते हैं, आपके जीन्स आ जाते हैं, आपके ट्राउजर्स आ जाते हैं, ठीक है? मैं तो यही चीज़ें लाया हूँ, हुडीस आ जाती हैं आपकी, अंडर गारमेंट्स आते हैं, 4 से 5 अंडर गारमेंट्स ले आओ, लाइक अंडरवियर होगी अपनी, ये बनाइन टाइप होगी, ठीक है? और उसके बाद आपको शूज़ लेने हैं, लेदर शूज़ आप ला सकते हो, लेदर शूज़ यहाँ महंगे हैं, ठीक है? लेदर शूज़ इन द सेंस जैसे ब्लैक कोट पैंट लोगे तो उसमें लेदर शूज़ पहनने पड़ेंगे आपको। सॉक्सेस लेनी है, अगर वॉर्म सॉक्सेस ले आना वहाँ से, डिकैथलॉन स्टोर आपको कहीं भी मिल जाएगा, अगर आपके आसपास डिकैथलॉन स्टोर है बहुत ही बढ़िया रहेगा, अगर उन्हें कहोगे कि मुझे -30 -40 डिग्री में सर्वाइव करना है तो उसी के हिसाब से वो आपको कपड़े दे देंगे, लाइक कपड़े में जैकेट मिल जाएगी आपको, शूज़ में स्नो शूज़ मिल जाएगा, बहुत बढ़िया स्नो शूज़ मिल जाएगा, और आपको वॉर्म क्या कहते हैं, वॉर्म सॉक्सेस मिल जाएंगे, ठीक है? सॉक्स मिलने के बाद आपको बहुत सारे कपड़े मिल जाएंगे, फ्लीस मिल जाएगी, फ्लीस ज़रूर लाना, फ्लीस बहुत गर्म होती है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, ठीक है?
तो ये होगी क्लोथिंग हमारी। तो सेकंड आती है हमारे जो एसेसरी इलेक्ट्रॉनिक का सामान। इलेक्ट्रॉनिक के सामान में पावर बैंक 20,000 mAh का ले आना, ठीक है, 20,000 mAh का पावर बैंक ले आना। अपनी डाटा केबल ले आना, दो से तीन डाटा केबल ध्यान में रखना, ठीक है। मोबाइल अपना घर से ही लाना अगर अच्छा चलता है, क्योंकि मोबाइल यहाँ चल जाते हैं। मेरा लिनोवो ज्यूक Z2 Plus है, यहाँ पे फाइडो का सिम लिया है मैंने, तो मोबाइल चल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आप एक अलग बैगेज में रखना, कोशिश करना आप 23 kg वाले बैग में बिल्कुल ना रखना, ठीक है। 23 kg वाले बैग में सिर्फ आपके क्लोथ्स खाने का सामान होना चाहिए, ठीक है। 23 kg वाले बैग में वही होना चाहिए। कैबिन बैग में आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान रखना है, 2 जोड़ी कपड़े रखने अगर आपने चेंज करने हो रास्ते में, अगर ले ओवर आता है, ठीक है। आप लैपटॉप अवॉइड करिएगा, अगर इंडिया में है तो आप ला सकते हो लैपटॉप, अदरवाइज अवॉइड करिएगा। यहाँ पे लैपटॉप बहुत अच्छे मिलते हैं और चीपेस्ट प्राइस में मिल जाते हैं, कई बार सेल लगी होती है, ठीक है। लैपटॉप के बाद आप अपना कैबिन बैग ले सकते हो। कैबिन बैग एक लैपटॉप बैग होता है, कैबिन बैग, दोनों आप ला सकते हो, ठीक है। अब वो कहेंगे कि नहीं ले सकते, लेकिन वहाँ पे कोई पूछता नहीं है इसके बारे में, तो आप वो ला सकते हो। तो मैं लेके आया था इसलिए मैंने आपको बताया। तो 24 kg तक आप ला सकते हो, अगर आप 23 kg बोले आप 24 to 25 कर लीजिए। 24 kg के 2 baggage ला सकते हो, बट एक्सीड ना करना, क्योंकि अगर आपने एक्सीड किया आपको सामान निकालना पड़ेगा। सामान निकालने के लिए आपको बैग खोलना पड़ेगा, बैग खोल के आपको अपने पिट्ठू बैग में डालना पड़ेगा। सो गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया। फिर हम आते हैं खाने के सामान पे। खाने के सामान पे आप जो पिकल्स वगैरह हैं, जो अचार वगैरह नानी जी ने बनाए होते हैं, वो ला सकते हो। बस उसको थोड़ा अच्छे से पैक करना, ताकि उसका जो तेल है वो आपके सूटकेस को ख़राब ना करे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि सूटकेस ख़राब होता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। मैगी ज़रूर लाना खाने में, ठीक है। खाने की चीज़ों में आप मसाले ला सकते हो, अगर आप खाना बनाते हो तो मसाला बहुत ज़रूरी है। गरम मसाला ले आना और सब्जी मसाला ले आना, आधा किलो ले आना, बहुत है, ठीक है। तिल के लड्डू ले आना, घर से बनवा सकते हो आप तिल के लड्डू, ठीक है। खाने में खाने की चीज़ें जो आपको पसंद है वो आप ला सकते हो, बस जो बार कोड लगे होते हैं जिस खाने की चीज़ों पर, उसको आप कवर कर लीजिए और उसे ब्लैक लिफाफे में रैप करके पैक कर लीजिएगा। और क्लोथ्स का सबसे अच्छा पैकिंग का सिस्टम है वैक्यूम बैग्स, बिकॉज वैक्यूम बैग्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। आपके बहुत सारे क्लोथ्स एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक जगह पे, इतना स्पेस ले रहे इतना लेंगे, ठीक है। बेडशीट जरूर लाना अपने साथ, एक कंबल ला सकते हो अपने साथ, आप कुशन ला सकते हो वैसे अगर आपको लाना हो। कुशन यहाँ भी मिल जाता है, सस्ते में मिल जाएगा, ठीक है। मैट्रेस तो यहाँ पे मिल जाएगी, बहुत टाइप के बेड्स होते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा, खाने का भी हो गया, हमारे क्लोथिंग का भी हो गया, हमारे इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया। अब बात करते हैं हमारे लाइक पर्सनल सामान, लाइक शैम्पू हो गया, डिओड्रेंट हो गया। और बहुत लोग कहते हैं कि डिओड्रेंट लिक्विड अलाउड नहीं है, बट आप अपने लगेज में लेके जा सकते हो, ठीक है। लगेज में लाइक डिओड्रेंट वगैरह आप लेके जा सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है गाइस। तो कोई भी सामान जिसमें बारकोड लगा हो, उसे आप ब्लैक लिफाफे में बांध के अच्छे से बैग में रख के ले जाइएगा। उससे ये फ़ायदा होगा, लाइक स्कैनिंग होती है वो स्कैन नहीं हो पाएगा, लाइक यही कहते हैं, तो मैं करके गया था। तो ट्राई करना, 24 kg के 2 कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो कैबिन बैग है, लैपटॉप बैग, कोई चेक नहीं करता, चाहे आप 8 या 10 kg आपकी जिम्मेवारी है वो आप उठा सकते हो तो उठा लेना, वो कोई मैयर नहीं करता, ठीक है। जो प्लेन के अंदर जाने वाला सामान है, जो बोर्डिंग होती है, ठीक है, जो चेक इन होता है, एक ऑनलाइन चेक इन होता है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ऑनलाइन चेक इन से ये फ़ायदा होता है, आप कोई भी सीट ले सकते हो, ठीक है। फिर वो रख दीजिएगा वो सामान और वो अंदर रख लेंगे। बस यही पैकिंग का था, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में बताइए, ठीक है। मैं पैकिंग का लिंक का डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आपको पता लग जाएगा।
सो गैस अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच गैस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।